हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा रेगुलर लेक्चर सीरीज का थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का दूसरा प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ। पहले प्रॉब्लम के अंदर मैंने कुछ बेसिक एंट्रीज, चार जनरल एंट्रीज सिखाया था, यहाँ पर थोड़े जनरल एंट्रीज मैंने बढ़ा दिया है, उन जनरल एंट्रीज को मैंने वापस से यहाँ पर लिया है और एक्स्ट्रा दो से तीन जनरल एंट्रीज एक्सप्लेन किया है, बहुत ही स्लोली एक्सप्लेन किया है। सिखाने का तरीका बहुत ही यूनिक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने पहले के दो वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, पहले वो दो वीडियोस को देखो, जिसके अंदर मैंने एक वीडियो के अंदर सिलेबस एक्सप्लेन किया है और दूसरे वीडियो के अंदर एक बेसिक सा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। इज इट क्लियर? तो बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था, जितने एडिशनल इन्फॉर्मेशन होते हैं नॉर्मली हर एक के ऊपर एक एक हमको जनरल एंट्री पास करना है। ओके, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में नहीं लिया था बट ये प्रॉब्लम में लिया है कि इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स आर टू बी फुल्ली रिटर्न ऑफ। इससे पहले तो मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट क्या होता है। तो इंटेंजिबल हर वो असेट है जो हम देख नहीं सकते, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, इन सबको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल असेट्स। उसने क्या बोला, इंटेंजिबल असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स। अब फिक्टिशियस असेट्स क्या होते हैं, तो फिक्टिशियस असेट्स आर preliminary expenses, miscellaneous expenditure, advertising expenses written off, profit and loss account, debit balance, तो इन सबको बोलते हैं fictitious assets। उसने क्या बोला, intangible assets and fictitious assets are to be fully written off, मतलब इनको निकाल दो, असेट को निकाल दो। असेट को हम निकाल रहे मतलब असेट का वैल्यू कम हो रहा है, और असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो हमको लॉस होगा। अब तुमने सर हमको मालूम करना पड़ेगा, तो इससे पहले मैंने जो वीडियो पोस्ट किया लेक्चर टू, उसमें मैंने स्टार्ट में क्लियरली बता दिया, एक फॉर्मेट एक्सप्लेन किया, कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, प्रॉफिट हुआ तो कौन सा एंट्री मानना है, लॉस हुआ तो कौन सा एंट्री मानना है। तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो पे आइए। ओके, तो अब हमारे प्रॉब्लम पे आते हैं कि इंटेंजिबल असेट कौन सा है, हमारा गुडविल है यहाँ पर इंटेंजिबल असेट, और फिक्टिशियस असेट्स कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस है। इनको हमको निकाल देना है, निकाल देना है मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, असेट का वैल्यू कम करना है मतलब लॉस है, और लॉस मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या निकाल रहे हैं हम लोग, गुडविल निकाल रहे, टू गुडविल, और क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल कितना अमाउंट दिया हुआ क्वेश्चन में, 1,50,000, और प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है, 4 लाख, दोनों मिलाएंगे तो 5,50,000 का हमको लॉस हो गया। इज इट क्लियर? नरेशन क्या है हम बाद में देखेंगे, पहला एंट्री क्लियर। ये एंट्री के बारे में स्पेशल एक चीज बोलता हूं, जो आज के बाद दूसरे लेक्चर्स में मैं इतना गौर करके नहीं बताऊंगा, कि ये एंट्री अगर क्वेश्चन में है या ना हो, मतलब ये एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, तुमको हर इंटेंजिबल और फिक्टिशियस असेट्स को रिटर्न ऑफ करना ही है। मतलब अगर ये एडजस्टमेंट नहीं है तो भी ये एंट्री मैं पास करने ही वाला था, ये एडजस्टमेंट रहे या ना रहे ये एंट्री को हमको पास करना ही है, याद रखना हमेशा। ओके, नाउ सेकेंड एंट्री क्या है हमारा, इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस टू ₹2 पर शेयर। इक्विटी शेयर्स जो है वो रिड्यूस हो गया। अब इक्विटी शेयर्स क्या है, इक्विटी शेयर जो है हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई तो क्या है, तो प्रॉफिट होगा। ओके, लाइबिलिटी कम है तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हुआ तो क्या है एंट्री, टू कैपिटल रिडक्शन, प्रॉफिट हुआ क्या एंट्री आएगा, टू कैपिटल रिडक्शन, और ऊपर क्या जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, इतना क्लियर हो गया कि प्रॉफिट होगा। अब कितना प्रॉफिट होगा, तो उसने क्या बोला, इक्विटी शेयर रिड्यूस टू ₹2 पर शेयर, मतलब इक्विटी शेयर का वैल्यू जो है वो ₹2 हो गया। इक्विटी शेयर वैल्यू कितना हो गया, ₹2 हो गया, वैल्यू था कितना, ₹10 था, ₹10, अब ₹2 हो गया, मतलब लाइबिलिटी
₹10 की थी, अब ₹2 की हो गई, तो हमको प्रॉफिट कितना हो गया, ₹8 का। इज इट क्लियर? 10 की चीज अब ₹2 की हो गई, तो हमको ₹8 का प्रॉफिट हो गया। ओके, इतना तो क्लियर हो गया कि ₹8 का प्रॉफिट है। अब हमको नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना है कि कितने शेयर पे इसका प्रॉफिट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इक्विटी शेयर जो है वो 800,000 रुपए के दिए हुए, कितने के दिए हुए, 800,000, और क्या बोला है, 10 each, 800,000 रुपए के हैं, और क्या बोला है, 10 each। इसका मतलब है इक्विटी शेयर कितने रहेंगे, तो 80,000 रहेंगे। तुमने सर कैसा किया, तो डिवाइड करेंगे हम, 8 lakh डिवाइड बाय 10, तो हमको मिलेगा नंबर ऑफ शेयर 80,000। तो ये 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच है, जो 8 lakh हुए। इज इट क्लियर? तो ये 80,000 शेयर्स को हम यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कि 80,000 × 8, दैट इज 6,40,000 का हमको प्रॉफिट हो गया। वंस अगेन आई विल रिपीट कि शेयर जो है वो ₹10 का था, वो ₹2 हो गया, मतलब ₹8 का प्रॉफिट हो गया। कितने शेयर पे प्रॉफिट हुआ, तो 80,000 शेयर पे प्रॉफिट हुआ। वाई 80,000, क्योंकि 8 lakh रुपए का शेयर है, एक का वैल्यू 10 है, तो 8 lakh डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हम 80,000 आएगा। तो हमने क्या किया, 80,000 पे हमको ₹8 का प्रॉफिट हो गया, 6,40,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर्स वेव मतलब माफ 50% ऑफ देयर क्लेम। डिबेंचर होल्डर मतलब ये वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने क्लेम का 50% माफ कर दे रहे। डिबेंचर होल्डर जो हमारी लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी को माफ हो रही है, लायबिलिटी माफ हो रही है मतलब लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है मतलब आगे प्रॉफिट है। ओके, आगे क्या बोलता है, एंड फुल्ली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आधा पैसा डिबेंचर का माफ कर रहे हैं और पूरा पैसा इंटरेस्ट का माफ कर रहे हैं, मतलब दो दो प्रॉफिट है वो, डिबेंचर का पैसा भी माफ हो रहा है और उनका इंटरेस्ट भी माफ हो रहा है। ये आधा माफ हो रहा है, ये पूरा माफ हो रहा है। देखो, आधा माफ हो या पूरा माफ हो, प्रॉफिट तो है हमको, तो प्रॉफिट है मतलब टू कैपिटल रिडक्शन, प्रॉफिट वाला कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट। ऊपर क्या किए अपन, जो माफ हो रहा है वो क्या माफ हो रहा है, 10% डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये कितना माफ हो रहा है, ये 5 lakh का आधा मतलब 2.5 lakh में माफ हो रहा है, 2,50,000। ये कितना माफ हो रहा है, ये पूरा माफ हो रहा है, मतलब ये 50,000 पूरा माफ हो रहा है, तो 250 + 50 = 3 lakh, तो ये 3 lakh का हमको प्रॉफिट हो गया। इज इट क्लियर? नाउ फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री क्या बोल रहा है कि 60% ऑफ अनसिक्योर्ड लोन आर वेव्ड। लोन जितना भी अनसिक्योर्ड लोन है 75,000, उसका 60% जो है वो माफ हो गया। अगेन लोन इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी माफ हो रही है मतलब लायबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है, लायबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, ऊपर क्या आएगा, ऊपर जो माफ हो रहा है वो आएगा अनसिक्योर्ड लोन, कितना माफ हो रहा है, 60% मतलब 75,000 का 60% इज 45,000। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट एंट्री, पांचवा एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी इज रेड्यूस टू ₹1,20,000। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो हमारा असेट है, असेट जो है वो रेड्यूस हो रहा है, असेट का वैल्यू कम हो रहा है, असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो लॉस। जैसे लाइब्रेरी का वैल्यू कम हुआ तो हमने क्या बोला, प्रॉफिट, वैसे असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो लॉस, और लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। देखो, लॉस हुआ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हुआ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहां पर असेट का वैल्यू कम हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। टू किस पे लॉस हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी पे, कितना लॉस हो रहा है, तो प्लांट एंड मशीनरी है कितने का, 5 lakh रुपीज का है। देखो, प्लांट एंड मशीनरी है कितना, 5 lakh रुपीज का है,
और उसका वैल्यू कितना हो जा रहा है 1,20,000। कोई चीज 5,00,000 रुपए की थी, आज उसकी वैल्यू 1,20,000 हो गई है, तो 3,80,000 उसका वैल्यू कम हो गया, मतलब हमको 3,80,000 का लॉस हो गया। तो 3,80,000 का एंट्री हम यहाँ पर पास कर लेंगे, 3,80,000, 3,80,000, इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, लैंड इज अप्रिशिएटेड बाय 300%, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय वर्ड, देखो नया वर्ड आया बाय, अब इसको सॉल्व करते हो, लैंड इज अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मतलब वैल्यू बढ़ना, ओके, लैंड क्या है हमारा, लैंड हमारा असेट है, असेट का वैल्यू बढ़ रहा है, हमारी प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट, तो पहले तो हम प्रॉफिट की एंट्री मानेंगे, प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, देखो लॉस हुआ तो डेबिट किए थे, अभी प्रॉफिट हो तो क्रेडिट कर देंगे, तो लैंड अकाउंट डेबिट। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो लैंड इज अप्रिशिएटेड बाय 300%, मतलब लैंड अपने वैल्यू से 300% ज्यादा हो गया। देखो अगर ऐसा बोलता कि लैंड इज अप्रिशिएटेड टू 300%, मतलब जितना भी वैल्यू है उससे 300% हो गया, देखो टू और बाय का डिफरेंस बताता हूं, कभी भी ये चैप्टर के अंदर बाय या टू आए, तो टू आए तो हमेशा हमको डिफरेंस लेना है, टू आए तो हमको हमेशा डिफरेंस लेना है, और बाय आए तो हमेशा जो अमाउंट बोला है वो लेना है। अब तुम्हें समझ में नहीं आया तो बताता हूं वैसा, लैंड इज अप्रिशिएटेड बाय 300%, तो लैंड कितना है 5,00,000, 5,00,000 का 300% फाइंड करेंगे हम लोग, दैट इज 15,00,000, देखो 5,00,000 का 300% कितना आएगा 15,00,000, अब 15,00,000 आया हमारे कैलकुलेटर पे, 5,00,000 का 300% 15,00,000, तो यहां पर भी हम 15,00,000 ही लेंगे, लेकिन अगर वो ऐसा बोलता कि लैंड इज अप्रिशिएटेड टू 300%, क्या बोलता, लैंड इज अप्रिशिएटेड 300%, तो अगेन हम लोग 5,00,000 का 300% फाइन करते हैं, दैट इज 15,00,000, 15,00,000 और 5,00,000 का डिफरेंस फाइन करते हैं, दैट इज 10,00,000, वो 10,00,000 लिखते हैं, क्योंकि 2 आया तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे। वंस अगेन आई विल रिपीट, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया था इक्विटी शेयर के बारे में, अगेन यहाँ पे 2 आ रहा था, 2 आया था तो हमने क्या किया, 10 और 2 का डिफरेंस लिया, 2 जब भी आएगा सम के अंदर हमको हमेशा डिफरेंस लेना है। तुम बोले सर नहीं समझ में आया, तो इसके बाद का एंट्री भी है उसके अंदर भी ये चीज एक्सप्लेन करता हूं मैं, क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस्ड टू रुपीज 4 ईच, प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू 4 हो गया, प्रेफरेंस शेयर था कितना 10 ईच था, 4 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 6 रुपीज। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो गया, लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो गया तो प्रॉफिट हो गया, तो हमको प्रॉफिट का एंट्री यहां पर पास करना है टू कैपिटल रिडक्शन, यहां पर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके, कितने का प्रॉफिट हो गया 6 रुपीज का, देखो अगेन 2 दिया हुआ है 2, तो हमको क्या लेना है ये 10 और ये 4 का डिफरेंस लेना है, देखो 2 दिया हुआ है तो 10 और 4 का डिफरेंस लेना है, इन केस यहां पे होता प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस बाय 4, देखो रिड्यूस बाय 4, अगर यहां पर 2 नहीं होता बाय होता तो हम डायरेक्टली ये 4 को यहां लेते, इज इट क्लियर, बाय रहा तो जो रहेगा वो लेंगे और 2 रहा तो डिफरेंस लेंगे। तुम्हें सर अभी भी समझ में नहीं आया तो इसके बाद के बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराऊंगा जिसको मैं ये सब चीजों को बार बार एक्सप्लेन करूंगा, ओके। अब 4 ईच हो गया ये, तो हमने ले लिया यहाँ पे 6 रुपीज, अभी कितने शेयर्स है, तो यहाँ पर 4,00,000 के प्रेफरेंस शेयर्स है जिसका वैल्यू कितना है 10 ईच है, 4,00,000 के प्रेफरेंस शेयर है जिसका वैल्यू 10 ईच है। जैसा हमने इक्विटी शेयर्स का नंबर ऑफ शेयर फाइंड किया वैसे इसका भी फाइंड करेंगे, 4,00,000 डिवाइड बाय 10 तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 40,000, तो 40,000 को हम यहां लिख देंगे और 40,000 इंटू 6 करें 2,40,000, यहां पर हमारे सारे एंट्री खत्म हो गई। इसके बाद हमको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना रहता है जो मैं आगे लेक्चर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने के बाद एक जनरल एंट्री पास करते हैं, दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो वो एंट्री भी मैं आपको बाद में सिखाऊंगा जब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। तब तक के लिए इतना समझ में आया आपको, थैंक यू सो मच।